स्टूडेंट बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ लर्निंग साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का अपना टॉपिक है वो है ऑनलाइन चैट के लाभ। इससे पहले मैंने आपको जो कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें ऑनलाइन चैटिंग क्या होती है, उसमें किस प्रकार से हम चैट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ संचालित होती हैं और मुख्य रूप से उसके अंदर कौन कौन से जो ब्राउजर हैं वो काम में आते हैं, इसके बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे इसका जो टॉपिक है अपना वो है ऑनलाइन चैट के द्वारा जो लाभ होते हैं। तो ऑनलाइन चैट के द्वारा जो वर्तमान के जो शिक्षक हैं उनके लिए किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रखती है या किस प्रकार से उनके लिए आवश्यक मानी जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो लाभ है वो है ऑनलाइन चैट करने से वर्तमान समय में शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले इसका जो लाभ है कि शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले इसका जो उपयोग है लाभ है वो है कि इससे जो शिक्षक हैं वर्तमान में जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को जो कंप्यूटर के माध्यम से वो चैटिंग करेंगे उनके साथ वो जुड़ेंगे उनको अपने दैनिक उपयोग में काम लेते हैं नित्य काम लेंगे तो उनको जो कंप्यूटर और इंटरनेट है उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी, उसके ज्ञान को वो प्राप्त कर सकेंगे, उनके बारे में वो उसके जो संसाधन है उनके क्या क्या उपयोग है किस क्षेत्र में उपयोग है उसके विस्तृत व्यापक रूप से उसकी जानकारी से अवगत हो सकेंगे, जिसका उपयोग अपने जीवन में कर सकेंगे और शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य में भी इनका जो उपयोग है वो करने में सक्षम होंगे। दूसरा है ऑनलाइन चैट के द्वारा धन अधिक व्यय नहीं होता क्योंकि वर्तमान समय में इस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा चल रही है। तो दूसरा हम इसमें व्यय अधिक या अधिक व्यय नहीं होता तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं धन की बचत की जा सकती है, धन की बचत की जा सकती है कि इससे अधिक व्यय नहीं होता। इस कार्य में जो अधिक संसाधन है किसी अगर किसी कोई जैसे आजकल कंप्यूटर इंटरनेट सभी को उपलब्ध है जो इंटरनेट की सुविधा है इसका सभी लोग लाभ लेते हैं तो इसका जो इसमें जो धन है उस धन की बचत होती है क्योंकि इंटरनेट के द्वारा जो हमको डाटा मिलता है वो बहुत ही कम ही कीमत में हमको उपलब्ध हो जाता है। तो इससे ऑनलाइन चैट के द्वारा धन अधिक व्यय नहीं होता क्योंकि वर्तमान समय में इस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा चल रही है जिसमें असीमित इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, जैसे डाटा वगैरह वाईफाई वगैरह चला लगते हैं उसमें हम असीमित जो अपना डाटा है असीमित रूप से इंटरनेट का हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन चैट व्यक्ति से व्यक्ति तथा व्यक्ति से समूह के साथ की जा सकती है, इसके द्वारा एक ही विषय पर विभिन्न विद्वानों से विचार किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि एक ही समय में अधिक विशेषज्ञों से जुड़कर अपनी बातें रख सकते हैं तो इसके द्वारा एक ही विषय पर विभिन्न विद्वानों से विचार किया जा सकता है। एक ही विषय पर एक ही समय
कर सकते हैं एक ही समय में एक साथ ही एक प्रक्रिया संचालित होती है। किसके लिए होती है? जब इंटरनेट हो और जो ईमेल है उनके बारे में हम अवगत हैं। आगे इसका जो उपयोग है वो है ऑनलाइन चैट से व्यक्ति को टाइपिंग कला का ज्ञान होता है, वह टाइपिंग व्यवसाय में कार्य करने योग्य हो जाता है। इसमें हम लिख सकते हैं वह टाइपिंग कला में दक्ष हो जाता है। जब वो टाइप करेगा तो उस प्रकार से उसकी जो टाइपिंग कला है, कीबोर्ड पर टाइप करने की जो कला है, उस कला में का वो निपुण हो जाएगा। टाइपिंग कला का उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। जब वो कंप्यूटर इंटरनेट का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है तो उसकी जो टाइपिंग करने की क्षमता है वो क्षमता अधिक विस्तृत हो जाती है। इससे वो टाइपिंग व्यवसाय का कार्य भी करने योग्य हो जाता है। टाइपिंग व्यवसाय का जो अपने कहीं ऑफिसों में या समाचार पत्रों के अंदर या पत्र पत्रिका है उन वर्कर में वो काम भी कर सकता है, उनके आंकड़े एकत्रित कर वो टाइप भी कर सकता है। इससे उसके टाइपिंग व्यवसाय में उसकी वृद्धि होगी और वह रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी बन सकता है। आगे हम बात करेंगे कि ऑनलाइन चैट के माध्यम से विषयों पर लिखित विचार प्राप्त होते हैं। ऑनलाइन चैट के माध्यम से विषयों पर लिखित ऑनलाइन चैट के माध्यम से जो विषय हैं उन विषयों पर लिखित विचार प्राप्त होते हैं। लिखित विचार प्राप्त होते हैं कि जो ऑनलाइन चैट है उसके माध्यम से जो विषय है उन विषय पर जैसे टाइप करते हैं, हम किसी बात को टाइप करते हैं तो उसमें जो अपने को जो आंसर मिलता है जिस किसी विशेषज्ञ के द्वारा हम उस अपनी समस्या को प्रस्तुत करते हैं उनके सामने ऑनलाइन चैट के माध्यम से, तो वो विशेषज्ञ उस समस्या का जो समाधान है वो टाइप करके हम तक पहुँचाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में जो अपने को जो जो उसका विषय से संबंधित जो विचार मिलते हैं वो हमें लिखित रूप में मिलते हैं, तो इन विषय जो विचार हैं जो थॉट्स हैं उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। उन विचारों को हम सुरक्षित रखेंगे, जो लिखित साक्ष्य है उनको हम सुरक्षित रखते हैं और जब अपनी आवश्यकता होती है जब उनका कार्य कर हो तब उसको हम पढ़ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसको उपयोग में ले सकते हैं। और अंतिम बात करेंगे हम चैटिंग की प्रक्रिया से व्यक्ति विदेश में बैठे अपने परिचितों, शिक्षा शास्त्री एवं अन्य मित्रों से इस प्रकार बातें कर सकता है जैसा कि वह समीप हो। इसमें हम लिखेंगे कि चैटिंग की प्रक्रिया से व्यक्ति विदेशों में बैठे अपने परिचितों, शिक्षा शास्त्री एवं अपने मित्रों, शिक्षा शास्त्रियों एवं अपने मित्रों से इस प्रकार बातें कर सकता है जैसे कि वे उसके समीप हो। इस प्रकार बातें कर सकता है जैसे कि वह समीप हो, पास में हो, क्योंकि तो ऑनलाइन चैट है इसके माध्यम से जो दुनिया है वो बहुत ही सिकुड़ गई है। हम पहले जैसे पुराने जमाने में बात करें तो किसी
जिसमें मोबाइल फोन ही कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा उस समय नहीं थी, तो व्यक्ति को मिलना ऐसा लगता था कि उस व्यक्ति के साथ में मिलना है, तो उस व्यक्ति को मिलने जाने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन आज की दुनिया में ये है कि व्यक्ति को बात करनी, उस व्यक्ति से बात करने का मन हो रहा है, तो आप सीधे फोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से उस व्यक्ति को आप रूबरू देख भी सकते हो, उस व्यक्ति को बात भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज की दुनिया में जो कंप्यूटर इंटरनेट के जो उपयोग है, क्रांति लिए हुए है, जो व्यक्ति को व्यक्ति के जो दूरियां है उस दूरियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। चाहे व्यक्ति किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, वो व्यक्ति उससे अपना संपर्क स्थापित कर उस व्यक्ति के हाल चाल को जान सकता है, उसके भाव अभिन को भी जान सकता है कि व्यक्ति क्या किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है। इसलिए जो दूरियां है वो इसके माध्यम से बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। और आज इस दूरियां समाप्त होने के हिसाब से अपना ये टॉपिक भी आज समाप्त हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन चैट के लाभ जो वर्तमान शिक्षकों के लिए किस प्रकार से आवश्यक है। हम लिख देते हैं वर्तमान शिक्षकों के लिए आवश्यक, वर्तमान शिक्षकों के लिए आवश्यक किस प्रकार से है उसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके द्वारा शिक्षकों को कंप्यूटर इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि अधिक धन व्यय नहीं होता, अधिक व्यय नहीं होता, इससे धन की बचत भी की जा सकती है। इसके द्वारा एक ही विषय पर एक ही समय में विभिन्न विद्वानों से जुड़कर हम अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं और समस्या का निराकरण या समस्या का निराकरण उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वह टाइपिंग कला में निपुण हो जाता है, टाइपिंग व्यवसाय को भी अपना सकता है। फिर मैंने बताया कि ऑनलाइन चैट्स के माध्यम से विषयों पर लिखित विचार प्राप्त होते हैं और लिखित विचार जब प्राप्त होंगे तो उन विचारों को हम सुरक्षित रख सकते हैं और जब उसका उपयोग हो तब उस समय में हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन चैट के माध्यम से व्यक्ति की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति विदेश में बैठे व्यक्ति अपने परिचित या शिक्षा संस्था अपने मित्रों से इस प्रकार बात कर सकता है जैसे वो उनके सामने हो, समीप हो। इसके माध्यम से क्रांति पैदा की है, जो क्रांति व्यक्ति की जो दूरियाँ हैं दूरियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम इतना ही पढ़ेंगे, पर हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।